जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। बयाना भरतपुर पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बयाना की झील पुलिस चौकी के 3 पुलिस कर्मियों सहित चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर करने पर ग्रामीणों ने किया नारेबाजी कर प्रदर्शन। ग्रामीणों ने लगाए शिकायतकर्ताओं पर सट्टे, जुआ एवं अवैध शराब बेचने के आरोप। पुलिसकर्मी गए हुए थे सूचना पर कार्रवाई करने, जिस पर होटल संचालक सहित ग्रामीणों ने किया पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार, जिस पर कल हुई थी दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज। आज जिला पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी कर 3 पुलिसकर्मियों सहित चौकी प्रभारी को किया लाइन हाजिर। ग्रामीणों ने बताया कि अगर जिला पुलिस अधीक्षक ने झील चौकी के खिलाफ किए आज आदेश तत्काल से रोक जाए एवं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण करेंगे रास्ता जाम कर प्रदर्शन। परसों जो यहाँ से झील चौड़ाया से करीब करीब 500 मीटर दूरी पे एक होटल है, होटल का नाम कुछ भी नहीं है, अवैध होटल चला रहा था, कोरोना गाइडलाइन के पालन नहीं कर रहा था, इसको लेकर वहाँ कुछ लोग शरारत तो खाना खाने या जो भी आए वहाँ पे झगड़ा हुआ। पुलिस के लिए उन लोगों ने फोन करा, पुलिस का कर्तव्य बनता है वहाँ पहुंचे और पुलिस बखूबी उसी वक्त में वहाँ पहुंची। उसके बाद उन्होंने समझाया इसकी दोनों पक्षों में, लेकिन दोनों पक्ष नहीं माने। वहाँ शराब भी थी, शराब पार्टी भी हो रही थी वहाँ, इसलिए होटल मालिक ने उनसे अभद्र टिप्पणी करी, इसलिए पुलिस ने फिर वहाँ पे बल का प्रयोग किया, उसी को लेकर ज्यादा समझे। फिर वहां से पुलिस जैसे ही समझा एक दूसरे पक्ष को अलग अलग करके आई, चौकी पे पहुंची, उसके बाद एक मशवरा हो गया वहां गांव के लोगों ने और पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई करवाई है। और मेरे सुनने में आया कि एसपी साहब ने जो लाइन हाजिर करे वो गलत करे। यहाँ पे करीब करीब 10-15 गाँव के लोग हैं यहाँ मौजूद, लेचोरा पंचायत में झील चौकी पड़ती है, उनके सरपंच साहब हमारे पास है, वो आपको बताएंगे। पुलिस प्रशासन इतना बखूबी अपना काम कर रहा है, अगर इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई और ये लाइन हाजिर हुए तो यहाँ से जितने लोगों का काम है ये सब विश्वास उठ जाएगा पुलिस पे से, और कोई मांग नहीं करेगा न्याय की। सब नाम नेत्रपाल है साहब, मैं नगला बीजा गाँव का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में अभी ऐसी निंदनीय घटना हुई है, पुलिस के ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे पास में एक होटल है, झील चौकी के पास में एक होटल है, झील क्षेत्र में आती है, उस पर अभद्र टिप्पणी की गई है। हमारे पुलिस वाले सब जने वहाँ पे गए हैं, उनके साथ गलत बर्ताव किया। गांव वालों ने मिलीभगत करके दो चार यहाँ के राजनीति के प्रवेश के लोग हैं जो सट्टे जुआ का काम करते हैं, दारू बेचते हैं और इन्हीं चीज़ों में लिपते हैं, तो उन्होंने आके पुलिस पर गलत आरोप लगाए हैं और मुकदमा दर्ज करा दिया जाए। और इनको जो लाइन हाजिर किया है हमारे पुलिस वालों को, इनको जल्द से जल्द वापस चौकी पर लाया जाए और ये इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये लोग यहाँ पर दारू बेचते हैं, सट्टे का काम करते हैं, गलत तरीके से होटल चलाते हैं, कोई मतलब नहीं है। जब गाइडलाइन कोरोना चल रहा है, कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, फालतू की चीज़ें कर रखी है, दारू ये बेचते हैं, सट्टे का काम ये करते हैं, गलत तरीके मुर्गा मदरा सेवन, और ये जने जने 10-10, 20-20 जने बैठा के रखते हैं, ये गलत तरीका है। गाँव वालों में बहुत बुरी तरह से रोष है, सारी जनता रोड पे आ चुकी है। अगर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई गलत तरीके से तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ना हम हटने वाले हैं। हाँ, मैं ज्ञान लीजिए और अखलादा सरपंच हूँ, और मेरा नाम रामजाल है सर। ये निवेदन कर रहा हूँ, ये पुलिस मतलब प्रशासन सही काम कर रहा है, इन लोगों को मतलब यहीं रोका जाए। जो ने शिकायत करी है वो गलत है,